स्वागत है आप सभी का उदय क्लासेस में। यहाँ पे क्लास 9 के बच्चों के साथ यहाँ पे सिविक्स क्विज चलता हुआ आप सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। जी हाँ या नहीं? यस सर। फटाफट बताएंगे बताएंगे, संसद के कितने सदन होते हैं नीतू? दो सदन। मंडल कमीशन किसकी अगुवाई में संपन्न हुआ? वीपी मंडल। गरिमा जी, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 500 कुल होते हैं। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 545। बताओ नीतू, वित्तीय मामले कौन अधिकारों का उपयोग करता है? वित्तीय मामले में कौन अपने अधिकारों का उपयोग करता है? लोकसभा। लोकसभा। भारतीय रक्षा बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति। गरिमा, उसके बाद बताएंगे कौन सी संस्था नागरिक और सरकार के झगड़े का निपटारा करती है? कौन सी नागरिक संस्था नागरिक और सरकार के झगड़े का निपटारा करती है? संसद। कौन करती है? प्राची, तुम्हारा है, बोलो। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, संसद नहीं, सर्वोच्च न्यायालय। आगे बताएंगे, भारत में कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है अगले सवाल की ओर जाएंगे, बताएंगे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? गरिमा, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? न्यायपालिका। नेक्स्ट, भारत के संसद के का अंग नहीं है, कौन सी संस्था है जो अंग नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय। आगे बताएंगे नीतू, भारतीय नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? न्यायपालिका। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पिछला वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया? 1979। संसद का लोअर हाउस किसे कहते हैं? नीतू बोलिए, संसद का लोअर हाउस किसे कहते हैं? लोकसभा को। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है? संसद के महाभियोग के द्वारा। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? स्पीकर। राज्य स्तर पर विधायिका को क्या कहते हैं? विधानसभा। राज्य के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। प्रधानमंत्री किसकी सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? वीपी मंडल। भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है? भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है तू? प्रधानमंत्री। भारत में न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? भारत में न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति को कौन सलाह व मंत्रणा देता है? प्रधानमंत्री। भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित की? 1979। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया औपचारिक लिखित आदेश क्या होता है? संसद का अपर हाउस किसे कहते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष। राष्ट्रपति मंत्रियों को किसकी सिफारिश पर नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री। के सबसे ऊपर का न्यायालय कौन है? भारत का सबसे ऊपर का न्यायालय कौन है? भारत का सबसे ऊपर का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये किसके अंग है? संसद के अंग। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? 27%। विवादों का निपटारा न्यायिक समीक्षा और नागरिकों के अधिकार संरक्षण किसका कार्य है? विवादों का निपटारा न्यायिक समीक्षा और नागरिकों के अधिकार संरक्षण किसका कार्य है? न्यायपालिका। दो या दो से अधिक दलों से मिलकर बनी सरकार को क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार
सरकार या मिली जुली सरकार? दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कौन कह सकता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री किसकी अध्यक्षता करता है? मंत्रिपरिषद। देश से संबंधित बड़े निर्णय कौन लेता है? मंत्रिमंडल या कैबिनेट। न्याय की व्यवस्था कौन करता है? न्यायपालिका। मानवाधिकार आयोग किस वर्ष लागू किया गया? 1993 ईस्वी। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का क्या नाम है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2014। किस अधिकार को 44वें संशोधन में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? मेरा पढ़िए। कौन करता है? राष्ट्रपति। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या है? अभिव्यक्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? आपातकाल में। शिक्षा का अधिकार से क्या अभिप्राय है? 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं मुफ्त शिक्षा दिलाना। फिर से बोलिए। 14 साल तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा दिलाना। ठीक है, आगे बताएंगे। अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। बताएंगे। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किसके अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य। वह शासन जहाँ किसी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती है कैसा शासन कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष शासन। किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? 24 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर सिविक्स का क्विज। ठीक है, अच्छा तैयारी था आप सभी का, इसी तरह तैयारी करते रहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक भी जो है गलती जो है यहाँ पर, ठीक है, नीतू का नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आज सिविक्स क्विज का विजेता उनको घोषित किया जाता है, उनके लिए जोरदार तालियां। ठीक है, जोरदार ताली बजाओ।